अब मुझे ये पूछना है कि आपको लगता है कि तमन्ना आपकी सबसे बड़ी कंपेटिटर, तमन्ना आपको लगता है कि वंश आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर? वंश क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा करती है मुझसे। तुझसे थोड़ा सा ही अच्छा करती है? एक कदम आगे है। एक कदम आगे है, ये वंश के लिए बहुत बड़ी बात है। अरे वंश की और की तारीफ कर रहा है, वाह, इसी बात पे तालियां हो जाए। हाउ स्वीट। तमन्ना, तुमने क्यों वंश को कंपेटिटर चुना? क्योंकि वंश रोज बोलता है कि बॉयज आर द बेस्ट, इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि गर्ल्स आर द बेस्ट। वंश, बॉयज आर द बेस्ट, बॉयज आर द बेस्ट, बॉयज आर द बेस्ट, गर्ल्स को तो कुछ नहीं आता। बॉयज आर द बेस्ट और गर्ल्स आर द बेस्ट, ये तो हम तीनों फैसला करेंगे तुम्हारा एक्ट देखने के बाद, ठीक है? तो एक्ट शुरू किया जाए। की मम्मी, अरे ओ पार्थ की मम्मी, अरे ओ नागिन मम्मी, सुनती हो? सुनती हो मतलब ठीक है कान आपके? पता है आज मेरे घर में कॉल आने वाला है। क्यों बताऊं? दूसरों के घरों के बारे में जानने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं ये औरतें। निकल जाओ पार्थ की मम्मी, निकलो यहाँ से। वंश की मम्मी, तमन्ना की मम्मी, समोसा चूस लिया, निकल गया। नागिन मम्मी, आपको स्पेशल इनविटेशन देने पड़ेगी। वैसे आज मैं बड़ी खुश हूँ, आज पहली बार घर में दामाद जी आ रहा है, लेकिन पता नहीं है बेटी घर रह गई। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे। नमस्ते सासू जी। अरे बेटा नमस्ते की क्या जरूरत, पैर पर चुपचाप, पैर पर। अरे अगर पढ़ना लिखना ही था तो मैं यहाँ ड्राम बस कर रहा होता। हाय मेरी सास भी कितनी क्यूट है। हाय हम दोनों कितने क्यूट हैं। घर में सब कैसे हैं? अरे जब से आपकी बेटी आई है तब से सब शॉक्ड हैं। मेरी बेटी है क्या क्या दामाद जी? वो तो बेचारी गाय है, गाय। गाय विवेक भैया। हाँ? मैं जानता हूँ यही लाइन सुन के हर दामाद के सीने पे सांप रेंगने रखते होंगे। इनको क्या पता कि इनकी गाय हमारी जिंदगी में कितना गोबर करती है। इतना करती है कि समेट नहीं समझता। पहले मैं ऐसा था, अब ऐसा हो गया। खैर इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे, खड़े हो जाइए। पहले खाना बना लीजिए, फिर मुंह हाथ धोकर झाड़ू पोछा लगा लीजिएगा। आप मुझसे काम करवाएंगी? तो क्या हुआ बेटा, अपना ही घर है और बेटा लड़कों को भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। हाँ देखिए दामाद जी, कल हम आपके साले साहब के लिए लड़की ढूंढने जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। नहीं आप ही देखो, मेरा तो खुद का डिसीजन यहाँ गलत हुआ पड़ा है। आप क्या बोलना चाहते हैं, साफ साफ बोलिए। अरे अगर साफ साफ बोलना था तो मेंटोर से इतनी डांट खाता क्या? हाय मेरा दामाद कितना क्यूट है। हाय मेरी सास भी कितनी क्यूट है। हाय हम दोनों कितने क्यूट हैं।
आगे भाई, एक्ट शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे, ये दोनों बोल रहे थे बॉयज आर बेस्ट एंड गर्ल्स आर बेस्ट। हाँ यार, इसके लिए तो एक कंपटीशन करना पड़ेगा जिसे करके हम डिसाइड करेंगे कि वंस एंड फॉर ऑल बॉयज बेटर हैं कि गर्ल्स। कंपटीशन बहुत स्पेशल टाइप का है, देखो खास दो डब्बे दो पैक्स आपको पहनने हैं अपनी पीठ पर, मंगवाए जाए भाई वो पैक्स। वंश आप रिप्रेजेंट करोगे बॉयज को और तमन्ना आप रिप्रेजेंट करोगी गर्ल्स को। आइए, अरे गोल्डन पैक्स हैं, देखिए ये पैक्स है ना, ऐसे खास हैं, इनके अंदर इतने सारे बॉल हैं। अब साजिद और सोनाली ये दोनों पहनेंगे ये और फिर ऐसे शेकी 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 करेंगे, और जिसने सारे बॉल पहले निकाल लिए वो जीतेगा और फाइनली वंस एंड फॉर ऑल इस बहुत साइंटिफिक मेथड से डिसाइड हो जाएगा पूरे विश्व के लिए कि गर्ल्स आर बेटर या बॉयज। 3, 2, 1 स्टार्ट। Come on, Tamanna! Come on, Vansh! Come on, Tamanna! Aur nikalo, nikalo, nikalo! Vansh, jumper, jumper! Come on, Tamanna! जैसे मैंने कहा था, अब लोग मुझे भी बाबा करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि वंश के पास एक बॉल बाकी है और तमन्ना ने सारे बॉल गिरा के जिता दिया है। सो गर्ल्स विन। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।